comfortable now, people, and a story I will tell about a group of women who were rowdier than hell. Out there in the rugged West, where men are dumb as dirt, trying just to stay alive and keep from getting hurt. Rowdy girls, sit tight and watch the story of the rowdy girls. जाने की तैयारियां हो रही थी। एक ओपीएस नाम के संगठन ने एक कानून पास करवाया। इसमें यही लिखा है, रथ में चलो या पैदल, या फिर अकेली चलो, चाहे थोड़ी दूरी हो। उस वक्त औरतों ने ये कानून अपना लिया था, पर वो हमेशा दुखी रहती और उन्होंने ये सोच लिया था कि ये सब खत्म करना होगा। उन लोगों के हवस के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। वो लोग बैलरियस लगातार संपर्क में रहते थे और ऐसे ही राज करते थे। वो पति की बात नहीं मानती थी, किसी के भी साथ सेक्स करना कोई गलत बात नहीं थी। अगर तुम उनको साबित करके दिखाओ तो सभासद पार्टी में बुलाते हैं और बातें करते हैं। Where we meet a desperate woman and head out west to find herself a decent fellow. Velvet was raised inside a house where the beds creaked till dawn, but her mama gave her hope and pride that kept her spirit strong. Rowdy girls, the rough and tumble. चली जाओ। मैं एक और भेज रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वेलवेट, तुम हमेशा ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम्हें पता है तुम वॉल्किंस की पसंदीदा हो। मिस्टर वॉल्किंस से कहना कि 3 दिन का कर्फ्यू लगा है। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो नीचे इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ। Now the meanest girl around could put you 6. They all were doomed to hang. But Mick was meaner still, and she always shot to kill. Rowdy girl. Rowdy girl. हाँ, बिल्कुल तुम्हारे लिए। क्या बात है, आज तो मजा आ जाएगा। ये क्या कर रही हो तुम, मुझे मार क्यों रही हो? कुछ करने से पहले तुम्हें सिखा रही हूँ, इसीलिए मार रही हूँ, तब मजा आएगा। देखा, ले लो। Take her there by hand and left a tear-stained note for dear old dad. प्यारे पिताजी, मुझे माफ कर देना, मैं बिना बताए यहाँ से जा रही हूँ। मैं मिस्टर कैलहम से शादी करना नहीं चाहती हूँ। मैंने तय कर लिया है, मैं सैन फ्रांसिस्को जाऊंगी। मुझे पता है आपको लॉरी पसंद नहीं है, पर वो अच्छा लड़का है। मुझे यकीन है वो मेरा ख्याल रखेगा। आपकी प्यारी बेटी सारा। मुझे सैन फ्रांसिस्को के बारे में बताओ ना, वहाँ औरतें पूरी रात बाहर घूमती है। चिंता मत करो सरा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। अगर प्यार करते हो तो अपने साथ अभी ले जाओ। मुझसे शादी भी करोगे या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। नहीं, आज नहीं, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं और ये तुम्हें पता है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मैं खुद ही सैन फ्रांसिस्को चली जाऊंगी। Thank you.
ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ। मेरी चाबियां कहाँ हैं? हाँ मेरी जेब में ही है। Oh God. किसी ने तुमको देखा तो नहीं? नहीं देखा, लेकिन तुम्हें पता है मैं बहुत मुश्किल से सबकी नजर से यहाँ बचकर आया हूँ। पैसे देखने दो। सारे पैसे इसी में हैं। हम अमीर हो गए। तुमने बहुत अच्छा काम किया। ओ, मेरा विश्वास करो डार्लिंग, ये बहुत ही आसान था। मैंने सिर्फ चाबी लगाई और तिजोरी खुल गई। तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। कोई गार्ड नहीं, कोई पहरा नहीं। वेलवेट, आई लव यू। अपने कपड़े उतारो। जानू, वाकई में तुम्हारे जैसे समझदार मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें पता है ना कि मुझे अलग अलग तरीके पसंद है। आज कुछ नया करते हैं। तुम खुद को संभालना और जो भी होगा उसका मजा लेना, ठीक है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वहां पर कोई भी नहीं था। दरवाजा बंद किया, वहां पर बिल्कुल अंधेरा था। मैं अभी आती हूँ। मैं जमीन पर रेंगता हुआ वहां पर पहुंचा और जैसे मैंने तिजोरी में चाबी डाली, ये बहुत टाइट है। अच्छा? और तिजोरी आराम से खुल गई। उसमें ढेर सारे पैसे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। तुमने तिजोरी बंद की थी ना? हाँ, मैंने तिजोरी बंद की थी। और तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं। पक्का? हाँ, मैंने बताया था ना तुम्हें। बोलो कि तुम सिर्फ मेरी हो। बोलो ना। हाँ। मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ, मैं किसी की भी जान नहीं हूँ। तुम्हें पहले ही बताया था। जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। मैं किसी को इस्तेमाल करना चाहती थी पर सोचा किसे, उतने में तुम मिल गए। मुझे अपनी जान समझने वाले बहुत लोग हैं, पर तुम्हें मुझे कुछ बताना है। उन सब में से ना तुम पूरे के पूरे नल्ले हो। शांत हो जाओ, मैं सारे पैसे लेकर जा रही हूँ। देखा ना तुमने? देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम वाकई में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि आगे की सोचा करो। पर मैं तुमसे प्यार करता हूं वेलवेट, और तुमने मुझे घायल कर दिया। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, मीठे पानी की जरूरत तो सब लोगों को पड़ती है। यहाँ के सब लोग ये चाहते हैं कि जो और पेपर के साथ उनकी दोस्ती हो जाए। पेपर ब्रदर जॉन सैम कानून का रखवाला है। सैम पूरा काम करता है और जो हमेशा गुल छर्रे उड़ाता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मिसेस वेलर,
जो सैम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मिसेस वेलर ने कहा कि चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं और कुछ नहीं। मिस्टर वेलर को देना जब वो 5 मिनट में यहाँ आएंगे। सैम मुझे यकीन है जो एक न एक दिन तुम अपनी इन्हीं हरकतों के कारण मारे जाओगे। हाँ चलो बहुत हुआ। ओह डैम इट बिली मेरी आंख फूट जाती। लेकिन फूटी तो नहीं ना, ये बिल्कुल सही जगह है नजर रखने के लिए। हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये जगह शहर से बहुत दूर है। मैं जानता हूँ लेकिन तुम्हें अपनी हालत तो पता है ना। हाँ पर इस जगह नहीं। मैं जो कहूंगा वही करना पड़ेगा। गुड प्लान। मुझसे जबान लड़ा रही हो? मैंने ऐसा नहीं किया, जानती हूँ तुम बिली हो। सुबह तक सब आ जाएंगे। ये मैं अकेले ही कर सकती हूँ, समझे तुम? तुम जैसी कोई और नहीं है। मुझे पता है। वाह, मैं बोर हो रहा हूँ। सुनो रोमियो, मेरे हिसाब से ये तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या कॉरेस्ट मेरे बारे में जानता है? मुझे लगता है कि वो तुम्हें जानता है। तुम जानते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। तुम्हारे जरिए बिली को पकड़ूंगा। रेंजर्स ने अभी तक बिली पोके को नहीं पकड़ा? नहीं, उस पर $1,000 का इनाम है, जिंदा या मुर्दा। इस बार तुम क्या करोगे? हा? मैं उस बिली को पकड़ूंगा और बाकियों को मार दूंगा, औरतों को भी। मुझे यकीन है हम उस बिली से बहुत दूर हैं। ए, क्या जैक केम हमारे साथ अगली बार आ रहे हैं? मैं कल सुबह आकर तुमसे यही मिलूंगा, अभी मैं थक गया हूं। स्वीट वाटर में कोई भी पगार पर नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम जैक्सन की बीवी के आसपास भी रहो, क्योंकि वो बहुत सुंदर औरतों में से एक है। स्वीट वाटर स्टेट बिल्कुल आपके सामने है सिस्टर। जा रही हूँ सैन फ्रांसिस्को। सारा तुम सिस्टर के साथ झूठ मत बोलो। अमांडा अपनी ज़बान को काबू में रखिए। घोड़े थक गए हैं, मैं आप लोगों को नीचे उतरने में मदद करता हूं। ठीक है उतरिए, आज रात हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। देखो इधर उधर मत घूमना, यहां पर बहुत सांप हैं। यहाँ पर क्या सांप ही सांप भरे हैं? आइए मैं उतर जाऊंगा। आराम से उतरिए सिस्टर।
लगता है मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ मिस्टर बोर्डिन। हेनरी, मुझे हेनरी कहो। हेनरी, देखिए मैं तो सिर्फ सैन फ्रांसिस्को जाना चाहती हूँ। देखने में तो हेनरी बहुत डिसेंट लग रहा था, पर मौका मिलने पर वो लालची इंसान कुछ भी कर सकता था। वो असली जहरीला सांप था। वेलवेट, उसकी बैग में बहुत सारे पैसे हैं। हेनरी सारा सा कहता है आज रात वो बैग चोरी कर लो। इधर लाओ। मुझे पता था इसमें कुछ छुपाया हुआ है। वो एक नन है। बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाला हूँ। घोड़ा कहाँ है? तुम कहीं नहीं जा रही हो। नहीं तुम जाओगे काउबॉय। उसे छोड़ दो, छोड़ दो उसे। घूम जाओ, पीछे हटो। वो मेरे पैसे हैं, मुझे दे दो। चलो। अब वो मेरे पैसे, समझी? असल में तो बेवकूफ तुम हो, बेवकूफ केकी। ये तो मर गया। ओह माय गॉड, मैंने इसे मार दिया। खड़ी ही रहोगी या मेरी मदद करोगी? सिस्टर, मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, चर्च का पैसा चुराने के जुर्म में तुम्हें जेल जाना होगा। इधर आ। चलो धक्का दो। मैं दे तो रही हूँ। जोर से धक्का दो। जल्दी करो, इस पर मिट्टी डाल दो। तुमने मेरे पैसे क्यों लिए? क्योंकि मैं सैन फ्रांसिस्को जाना चाहती हूँ। तो इसकी क्या जरूरत थी? मैं अकेली नहीं जा सकती। तुम बैग के साथ बहुत दूर चली गई होती ना? बिना पैसों के नहीं जा सकती थी। मुझे क्या पता इसमें चर्च के पैसे हैं? मैं खुद ही चर्च से हूँ। मेरी माँ की घड़ी कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या तुमने मेरी माँ की घड़ी चुराई? नहीं, नंस कभी किसी को नहीं मारती। पर मैं मारती हूँ। Thank you.
जो जो मैंने इरादा बदल दिया है, तुम्हें आज दोपहर को मेरे साथ चलना होगा जो। ठीक है, एक घंटे में वापस आ रहा हूं, तब तक तैयार हो जाओ। रात को क्या हुआ तुम्हें पता है? क्या तुम्हें ये बात पता है कि फालतू गॉसिप करना हमारे कानून के खिलाफ है? ये कोई गॉसिप नहीं है सिस्टर। मिस्टर बोर्डीन कल रात भाग गए और साथ में घोड़ा भी ले गए। उस आदमी का चरित्र ठीक नहीं है, ये मैं पहली नजर में समझ गई थी। सारा तुम्हें सावधानी से रहना चाहिए, समझी? सैम, गुड मॉर्निंग चेस्टर। गुड मॉर्निंग शेरिफ। अंडा अच्छा लग रहा है। हाँ, मॉर्निंग लेडीज। आप में से शेरा फ्रॉस्टर कौन है? मैं हूँ। मिलकर अच्छा लगा मिस। आपको शहर तक ले जाने आया हूँ। मिस्टर कैलहेंस ने भेजा है? हाँ मैडम। दोस्तों अच्छी खबर है, सिर्फ औरतों का झुंड है। दिखाओ वो मुझे दो। अजीब आदमी है। आज का दिन अच्छा है, चलो काम पे लगते हैं। तुम औरतों को नहीं पकड़ोगे। जेडी नील, लगता है नए घोड़ों की जरूरत है। हे बिली, लगता है इस बार ये छमिया सबकी जान ले लेगी। सामने से कोई आ रहा है। ओ रुको रुको, ए रुको 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 रुको। करो, इसको चोट लगी है। अगर कुछ गड़बड़ की तो गोली मार दूंगा। उन्होंने तांगे वाले को मार दिया। ओह माय गॉड, बेवकूफ औरत, मैंने कहा था ना ऐसा मत करना।
मैंने उनसे वादा किया था। तुमने वादा किया था? तुम कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहे हो। वो जो बोले वही करना और अपना मुंह बंद रखना। मैंने कहा था ना कुछ नहीं मिलेगा। कोई कीमती रथ नहीं है, सिर्फ घोड़ा गाड़ी है। तुम मुझसे वो करवाना चाहते हो जो तुम नहीं कर सकते। चलो बाहर आ जाओ, अपने हाथ उठाकर बाहर निकलो। जेड़े, अंदर देखो कोई कीमती सामान है या नहीं। चलो जल्दी चलो, उतरो। हमें तो एक चमेली का फूल मिल गया। जाओ। तुम अपने हाथ उससे दूर रखो, जंगली जानवर तरीके। मुंह संभाल कर बात करो, समझे? खोलो इसे। बाप रे, इसके अंदर तो बहुत पैसा है। सिस्टर, क्या खजाना लूट कर आई हो? चुप रहो। मैं इसे मारना नहीं चाहती थी बिली, सिर्फ डराना चाहती थी। तुम जानते हो ना मुझे। मैंने कहा था ना, तुम जैसी कोई नहीं है। मुझे पता है। Mick is getting more than she ever bargained for. Billy Polk has his eye on sweet and sassy Sarah. All the rowdy girls, one, two, three, now they're together. Sarah rides a horse up front, but the nun is being dragged on a tether. सबको रुकने को बोलो। नो, चिंता मत करो, हम उसे मारेंगे नहीं। वो खाते पीते घर की लगती है, दिखने में अरबी घोड़ी लगती है। वो मर सकती है अगर वो ऐसे ही चलती रही। प्लीज उसे बिठा लो। नील, चलो उसे अपने घोड़े पर बिठा लो। हम कहाँ जा रहे हैं? टकीला का मजा लेने। वो कर सकता है चिकनी, जब तुमसे दिल भर जाएगा फिर क्या करेगा उसके बारे में कुछ बताया? मुझे पता है तुम नन क्यों बनी हो, मैं बता सकती हूँ। तो फिर बताओ ना, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो।
देखो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सॉरी मैं नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी मदद की थी। ठीक है गॉड उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। सबको बता दो आज रात हम सब यही रुकेंगे। तुम बताओ कहां रुका जाए। जहां तुम चाहो बिली। देखती रहो। मुझे वो पसंद नहीं। और कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा होगा कि तुम मान जाओ वरना वो जबरदस्ती करेगा। तुम ये कैसे कह सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि पीने के बाद वो क्या करेंगे। क्या वो सो जाएंगे। क्या होगा तुम्हें तो मर्दों के बारे में कुछ नहीं पता। तमाम कर दो। यहां कोई मर्द नहीं जो मेरा मुकाबला करे। सब सब नामर्द है। बंद करो ये तमाशा। शराफत से मान जाओ गाना। इधर आओ। छोड़ दो मुझे। छोड़ो। दूर रहो मुझसे। नहीं, नहीं। उसे नन नहीं बनना चाहिए था। नहीं। देखो नहीं, मेरे छोड़ो। देखो मुझे। मैं तुम्हें सह सकती हूँ। इसकी बात मत सुनो। अपना काम करो। मैं तुम्हें देख लूंगी। जल्दी करो बिली। तुम उसकी तरह नहीं हो। छोड़ क्यों दिया बिली। तुम देख लो इसे। देर मत लगाओ जेडी। तुम इनकी तरह नहीं हो। नहीं आजा कहां जा रही है। तुम मुझे इनके लिए नहीं छोड़ सकते। नहीं
छोड़ो इसे, छोड़ो, हट जाओ। उठाओ मुझे। चलो यहाँ से। रुको, हमें बचा नहीं सकते तुम। तुम्हें बचाने तो आया हूँ मैं। मुझे पता है कि तुम अच्छे आदमी हो और कभी न कभी तुम अच्छे शरीफ बनोगे, लेकिन मैं यहाँ से अपनी बहन के बिना हरगिज नहीं जाऊंगी। देखो, हम मेरी काबिलियत के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है। प्रीति, फिर किसी के हवाले तो नहीं करोगे ना? नहीं। कौन है? एक बात कहूं, हमें इस तरह से भागना नहीं चाहिए था। ऐसी नन मैंने आज तक नहीं देखी है, जिसने वहां से भागने के लिए अपने सिस्टर को छोड़ दिया। वैसे मैंने ऐसे कोई डील नहीं की है उस शरीफ से जिसकी दाढ़ी भी ना हुई हो। बच्चों की तरह कोमल है। वैसे एक बात बताऊं कि ये जो चेहरा है ना, इसी ने पिछली रात एक खूबसूरत औरत को बचाया जो बहुत सारे लोगों का खाना बन सकती थी। वैसे तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? वो पुलिस वाला जो मारा गया, वो मेरा भाई था। अगर अगर बिली के आदमियों ने पीछा किया तो? ऐसा तुम सोच रही हो मैडम? हाँ, इससे भी बुरा हो सकता है। तो नजदीक में शहर कहाँ पर है? मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने हैं और नया घोड़ा, और फिर मुझे अपनी बहन को बचाना है और यहाँ से निकल जाना है। मेरे भाई को किसने मारा था? उसी चुड़ैल औरत ने। ये रही मेरी चाल। इसे तुम रख लो। मैडम जल्दी से उठो। मैडम, हम यहां और नहीं रुक सकते। बिली और उसके आदमी यहां आ चुके हैं। तुम अपने आदमी को पीछे के दरवाजे से बुला लो, समझे? पेड्रो, इस औरत में बहुत चर्बी है, जो भी इसे चाहिए वो इसे दे दो। तुम्हारी बहन उसके साथ है, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। वो बिली से चिपक कर खड़ी है और बिली की रखेल वहां खड़ी है, बंधी हुई। हमें ही कुछ करना होगा। मुझे विस्की चाहिए और शांति भी।
तुम ठीक से बजाओ, कोई अच्छी धुन छेड़ो। ये जगह मुझे अच्छी लगी। वो ऐसा क्यों कर रही है? वो हमेशा आग से खेलती रहती है। ये मेरी चाल। मैं अभी देख कर आता हूं, तुम यही रहो। बस अभी आया। सुनो, जरा संभल कर जाना तुम। यहां बैठो। बहुत चालाक हो सारा, तुम यहाँ कैसे आई? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। हाँ मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारे माँ के बारे में जान गई हूँ। मेरी घड़ी कहाँ पर है? बिली के पास है, वो मुझे सैन फ्रांसिस्को ले जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो, लेकिन तुम खतरनाक खेल खेल रही हो। दिल तो करता है कि मैं तुम्हें इस वक्त समझाऊं, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज नहीं समझाऊंगी। ये पैसे अब मेरे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं यहां पर बैठ सकता हूं? तुम बहुत ही छोटे हो। लेकिन इतना छोटा भी नहीं हो। ये खिलाड़ी बहुत चिकना है। यहां से निकल जाओ जेडी, मैंने कहा था ना कि यहां पर कुछ मत करना। नील, इसे यहां से ले जाओ। अपना नाम क्या बताया तुमने? जो, जो पेपर। क्या काम करते हो जो पेपर? Chance, she's ready to take flight. While back inside, Joe and Billy gamble into the night. कहाँ चली गई मेरे पैसे लेकर? ये कुछ काम के नहीं है। ये सिस्टर भी। Straight. मैं जीत गया। अरे चलो निकलो यहां से, चलो निकलो, मैंने कहा ना चलो निकलो।
तुम मुझे अच्छे लगे जो। हे होसे, बोलो बॉस। अपनी एक रखेल मेरे दोस्त जो को दे दो। ठीक है, मुझे लगता है कि अब खेल बंद कर देना चाहिए। लगता है मैं यहां से खिसकना चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो ठीक हूं। लगता है उस नन ने हमें लूट लिया। तुम यहां क्यों आए हो जो पेपर? मुझे लगा था वो यहां है। वो यहां नहीं है। अपनी जेब खाली करो। तुम मुझे लूटना चाहते हो? अपनी जेब खाली कर। पेपर, स्वीट वाटर में उस शेरिफ का नाम भी यही है। तुम भी कहीं ना कहीं से लूटते ही होंगे जो। तुम लुटेरे नहीं हो? नहीं, तुम्हारी तरह नहीं जो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और पैसे कहाँ हैं? करीब एक घंटे पहले वो यहाँ से घोड़ा लेकर भाग गई। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो। हाँ, वहां पर पानी है, चलो चलकर पीते हैं। हेलो प्रिंसेस। कैसी हो मैडम? अपनी बहन को छोड़कर, और मैंने तुम्हें यहाँ दिन दहाड़े ऐसी हालत में देख लिया। वो मेरी बहन नहीं है। हाँ ठीक है, सुनो, मुझे बात पहले ही पता थी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक औरत जो हमेशा औरत बनकर नहीं रही है। हो, 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 हो। ये निशान, चलो
तुम ठीक तो हो ना? मेरा नाम वायोला है, मुझे सिर्फ वायोला बुलाओ। आवाज मत करो, वो लोग हमें आसपास ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और इसीलिए तुमने ये जगह चुनी है? नहीं नहीं, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा वायला। तुम्हें मेरे नाम का कैसे पता चला? तुमने बेहोश होने से पहले बताया था, इसीलिए तुम नन बनी हो। थोकले हो तुम। नहीं, मैं अपने बाप को अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा कौन है वायला? मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी पड़ी। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी मैडम, मेरा मतलब वायला। कुछ पता चला? हाँ, वो यहाँ से एक मील की दूरी पर है। क्या लड़की भी साथ में है? हाँ। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। पता है तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगी? तुम्हारा सौदा करूंगी। पता है कैसे? बेच दूंगी तुम्हें। तुम्हारी जैसी चिकनी चीज को कोई भी खरीद लेगा। वैसे भी तुम अब कुंवारी तो रही नहीं हो, वो तुमसे अच्छी तरह पेश आया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे पहले मैं तुम पर एक निशान लगाऊंगी। रुको, उसे डराने से क्या फायदा? मैं इसकी चीखें सुनना चाहती हूँ, फिर उस हरामजादे पिली से मिलना चाहती हूँ। मजा लूटाना, अभी मैं मजा कराती हूँ।
तुम्हें वो पसंद नहीं है ना, जरा ऐसा है कि वो आकर तुम्हें जान से मार देगी। चुप रहो। चलो मैं तुम्हें सैन फ्रांसिस्को ले चलता हूं। मेरा पैसा लेकर नहीं जा सकते जो। पैसा तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है? वो मेरी पिछली जिंदगी का एक राज है जो। नहीं वायला, ऐसा नहीं है, अब नहीं है। लगता है शायद वो यहां से निकल रहे हैं। तुम तैयार हो? ऐसा लग रहा है कि बम फट रहे हैं। वहां अक्सर सुरंग बिछाकर पत्थर तोड़े जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां जाता हूं, लेकिन तुम यहीं रुकना, ठीक है? Excuse me, मिस्टर, यहां पर सिर्फ हम दोनों ही हैं। वहां मेरा एक अधूरा काम है। तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें आना है तो आओ। मैं जरूर आऊंगी। जो मैं आऊंगा ऐसा सोचा नहीं था, क्यों है ना? तुम अभी बच्चे हो। सही कहा, इसी बच्चे ने तुम्हारी बजा दी थी। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तुम अपने आप को बहादुर समझते हो? पैसे कहाँ हैं? बताता हूं बहादुर आदमी, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो बताऊंगा कि पैसे कहां हैं। बच्चे के साथ खेलना चाहोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? बिल्कुल नहीं। पहले बताओ पैसे कहां हैं? बताओ। तुम्हारे पीछे ही है। मेरे साथ गेम खेल रहे हो? अब मैं तुम्हें गोली मारने वाला हूं। मैंने कहा था ना कि मेरी जरूरत पड़ेगी। वो हम पर गोलियां चला रहे हैं। वहीं पर रुक जाओ। हेलो सिस्टर, मेरे पैसे कहां हैं? देखो सारा, तुम ये नहीं कर सकती। मैं ये करूंगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं ही जीतने वाली हूं। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा जीतती हो, लेकिन इस बार नहीं। अपने पिस्तौल नीचे करो। तुम्हारा खेल खत्म सिस्टर, पैसे मुझे दे दो। तुमने इतनी देर क्यों लगाई? सबको देखकर अच्छा लगा। बिली, मिक, मैं पैसों के लिए आई हूं। ये कौन है? जो, जो पेपर। मैं तुम्हें जानती हूं, तुम स्वीट वाटर के पुलिस वाले हो।
जिसके बारे में सभी बात करते हैं। मुझे वो कहानियां याद हैं। तुम्हारी रंगरेलियों के चक्कर में तुम्हारा भाई मारा गया, पर तुम तो अभी छोटे बच्चे लगते हो। मरते समय तुम्हारा भाई खूबसूरत लग रहा था। तुमने धोखा दिया। तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हारा यही अंजाम होना था बिली। बिली, पैसे उठा लो। बात सुनो सारा, अब खुद को समझने का वक्त आ गया है, समझे? तुम्हें ही चुनना होगा। ये क्या चाहिए? अच्छा वायला, बताओ आप कहाँ जाओगी? अब तुम मुझे ऐसा बुलाना बंद करोगे? सैन फ्रांसिस्को के बारे में क्या ख्याल है? और किसने कहा कि तुम जा रहे हो? मैंने सुना है सैन फ्रांसिस्को बहुत ही कमाल की जगह है। वहां पर मेरे जैसे लड़के की किस्मत खुल जाती है। वहां पर खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी आसानी से पट जाती है और साथ रहने को भी तैयार हो जाती है। वो जगह जन्नत से भी कम नहीं है। हाँ। hey, sister, रुको। वायोला और जो सैन फ्रांसिस्को के नए सदस्य होंगे। मुझे लगा कि तुम उसके साथ ही रहोगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तुम्हारे माँ की घड़ी। मुझे पता था कि तुम वापस करोगी। मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? सैन फ्रांसिस्को में मिलते हैं। The old west, where arguments are settled with six guns and outlaws are wanted dead or alive. One woman is determined to right her wrong by changing the unjust hand destiny has dealt her. I can't have my money, Joe. Shannon and Deanna Brooks star. It is a time of lawless men. Which one of them killed my brother? It was the woman. Isn't it always the woman? When a gang of ruthless outlaws steal her money, Velvet is forced to take the law into her own hand and becomes locked in a violent struggle to survive the Badlands. Feelings men just wrote in. Here, Shannon as Velvet, the beautiful nun who is in and out of her habit faster than you can say draw. We're not supposed to hit people. But when she, Colorado, whose bloodlust is only outweighed by her eroticism, the bullets fly, breasts bounce. Somebody's got to have some balls around here. And introducing Playboy playmate Deanna Brooks as the lovely Sarah. You've been a naughty. These girls are the good. Shannon Tweed, Julia Strain, Deanna Brooks, the rowdy girl. They're riding in to a town near you. So saddle up with our rest. तुम मुझे पसंद करती हो। मैं
कोई चांस नहीं। अच्छा तुम आ रहे हो या नहीं? And so ends the story.